हेलो स्टूडेंट्स, आज आम डिस्कशन करूँ बिजनेस स्टडी मैनेजमेंट रो गोटे सेट आम डिस्कशन करवा। देख पिले, ये सेट डिस्कशन करने पूर्व मुझ तुमको किसी सजेसन दे आग पेपर सब जहाँ भल होते बहुत भल कथ आवरेज होते भी बहुत भल कथ कहार जब भी खराब हो जाए तो किसी भी मन दुख कर ना कहीं प्लस टू एग्जाम तुम्हें यहाँ तुम ग्रोथ पीरियड मानते तुम्हें जिते पढ़व नलेज बढ़े डे बै डे तुम कन्फिडेन्स लेवल बढ़ी बढ़ी जीव तुम्हें जो पेपर तुम हाथ में अच्छे लास्ट पेपर यहाँ तो लास्ट पेपर को एमती पढ़ जमी पूरा 80 रु 80 मार्क तुम्हें रखिपार। मो सजेसन हूँ कौन एमसीक्यू क्वेश्चन तुम डेली 2-4 घंटा जा तुम भिड देख कौट ना निजे प्राक्ट कर जहाँ कर कि 2-3 मार्क भिडटा को देखिए खाली बुझ कि तार थीओरी क्वेश्चन गुड़ाक जो लंग क्वेश्चन है थीओरी है लिखिक प्राक्ट कर लिखिक प्राक्ट कले कौन हम सिलेक्ट क्वेश्चन गुड़ा लिखिक सबूत लिखिक प्राक्ट करें जिते सब सिलेक्ट क्वेश्चन अलरेडी सिलेक्ट मैंने सिलेक्ट क्वेश्चन गुड़ाक जो भी सब क्वेश्चन मुझे सिलेक्शन करी मुझ अपलोड करदे प्ले लिस्ट में देख 2-3 भिड भी तुम गला 2-3 दिन बिजनेस स्टडी मुझे अपलोड करी भी तुम्हें देखिपार बहुत भलसे बुझे भी अपलोड करी। ओके ये गला आउ मो कह कथा कौन पूरा कनसेनट्रेट रखिकी थीओरी लंग क्वेश्चन जो रहा 2 मार्क 3 मार्क एथेरे तो सब थीओरी 80 रु 80 तो 40 मार्क तो पड़ेगा एमसीक्यू तुमको 40 मार्क कौन कर लिखिकी टे प्राक्ट करार अच्छी एमती प्राक्ट कर सिलेक्टिव क्वेश्चन गुड़ाक लंग क्वेश्चन 2-4 तो निहाती तुम्हें भलसे लिखिक प्राक्ट कर जमी जो लंग क्वेश्चन गुड़ाक इंपोर्टां क्वेश्चन ताको तुम्हें जमी कौन कर मन रखिक पूरा कम्प्लीटली पूरा प्रोसेस रे कम्प्लीट करिष्कार करके जाए तुम फुल मार्क 15 रु 15 मिल जाव बुझे 15 न मिले 13-14 13 और 14 एमती तो मिलजो चेष्टा कले मिल तुमको आउ नेक्स्ट कौन 2-3 मार्क गुड़ाक भी तुम्हें लिखिक प्राक्ट कर जाए जो कौन एग्जाम जो सिलेक्टिव मैंने सिलेक्शन दिखाई ना ता भितर तो ताको आगे प्रायोरीटी रखे अलग तुम हिसाब से जो तुमको लगे तुम्हें भी ताको प्राक्ट कर। ओके आम आरंभ करवा गोटे सेट आम डिस्कसन करुँ आगे एमसीक्यू देन अच्छे 2-3 मार्क क्वेश्चन देन लंग क्वेश्चन मुझे खाली बतईदेवि तुम्हें लंग क्वेश्चन 2-3 मार्क गुड़ा कौन कर तुम्हें तक लिखिक प्राक्ट कर। ओके डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इनवॉल्व डायरेक्टिंग माने कौन डायरेक्टिंग हूँ तुमको इनिशिएट कर एक्शन करने। ओके डायरेक्टिंग रो एठी होची तुम देख थिंकिंग एहेड ये तो हूँ प्लानिंग बुझे मेन पावर प्लानिंग ये भी से प्लानिंग सहित रिलेटेड ऑर्गेनाइजिंग सहित रिलेटेड। ओके तो ये डेलीगेटिंग अथॉरिटी ना कहीं मैंने तुम हूँ आसुची किंतु ये इनिशिएटिंग एक्शन टा होची तुम क्या सहित रिलेटेड पूरा डायरेक्टिंग सहित रिलेटेड सब ऑप्शन को देखिए ऑप्शन भितर बिजनेस स्टडी गोटे एमती पेपर तार ऑप्शन को देखला पर तुमको आंसर जना भी पड़ी जदि टी बुझा थी चैप्टर विषय डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इनवॉल्व इनिशिएट एक्शन माने जो वर्कर्स जो एम्प्लॉय थे जी सुपीरियर तुम डायरेक्ट दौर डायरेक्शन दे तो से अनुसार इनिशिएट कर एक्शन करने। ओके इनिशिएटिंग फॉर्मल रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंट नोन आज कौन फॉर्मल जो फॉर्मल बेसिस रे जोटा भितर जो रिलेशनशिप रोच इंडिविजुअल हो एंड डिपार्टमेंट भितर ताको आम कौन बोली कौन तेल टू रो कौन हम डी हम ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप। ओके ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप या भितर तो कौटा भी हेनी रिलेशनशिप विषय पचार मैंने यहाँ ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कथ पड़ी एक्सचेंज थ्रू द व्यूज ऑफ आइडिया व्यूज एंड आइडिया इज नोन आज एक्सचेंज थ्रू कौन ये तेल कौन हम सीटा दैट इज कम्युनिकेशन। देख कम्युनिकेशन गोटे एमती जिनस प्रॉपर वे ना तुम भितर कन्फ्यूजन क्रिएट हम तो से भाया ऑर्गेनाइजेशन रो जो स्ट्रक्चर जो तार जो एनवायरनमेंट इंटरनल एनवायरनमेंट ता भितर प्रॉपर वे कौन होता दरकार कम्युनिकेशन होता दरकार ये तो सब हूँ ये भी सब ऑर्गेनाइजेशन भितर हो प्लानिंग डायरेक्टिंग ये सब कौन हो मैनेजमेंट रोचु कम्युनिकेशन हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट एटी कौन पाई ना कम्युनिकेशन मन कर ए हेला डायरेक्टर जी तार जो जूनियर लेवल रे जो भी सबऑर्डिनेट्स सब थे भितर प्रॉपर वे जब कम्युनिकेशन हो पारोनी ताल कौन हम देख ना तुम्हें जब किसी जिन बुझिलनी तो तुम टीचर सहित जब कम्युनिकेट कले तुम टीचर जब तुमको से भाई वे कहले तुम जहाँ डाउट मत पचार गोटे गोटे टीचर थे देख तुमको पूरा डर भय कि नुमें आराम से क्वेश्चन करदे थो सर मुझे बुझीपाले आउ गोटे टीचर थे कौन करुवे तुम्हें डरू थो क्वेश्चन करने बुझीपना तो दिज भर क्या भितर कम्युनिकेशन भल हम जी सीना से भाई किसी एनवायरमेंट थी तो ये कम्युनिकेशन हूँ इंपोर्टेंट। ओके
क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ बिजनेस प्लान्स एंड प्रोग्राम्स इज नोन आज क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन बोली लिखी बुझी तेल कौन हम निश्चित रूपे बजेटिंग हम आउ सब गुड़ाक इंटांजिबुल गुड़ाक कि ये यहाँ हूँ क्वांटिटेट बजेट कौन लिखी एत आम टोटाल गोटे वर्ष एक्सपेडिचर हम एत ये हम सी हम कि प्रडक्शन हम बुझे तो बजेटिंग सिस्टमटा बुझेगा गला ह्विच फंक्शन इज कनसीडियर आट द एसान्स अफ मैनेजमेंट ये प्राय समय एक्जाम आसूची एक भलसे मन रखे कोऑर्डिनेशन दैट इज कोऑर्डिनेशन ओके कोऑर्डिनेशन सब फंक्शन गुड़ाक तो मुझे मन रखार अच्छे कि एसान्स क्या क्या मैनेजमेंट रैनेजमेंट रोचे तुम कोऑर्डिनेशन को एसान्स क्या जाए ओके ताले फाइव गला बी हेला आंसर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन स्टाफिंग ये का अंडर रे रही पारिबो तो ये सिक्स ए रे रही पारिबो ऑर्गेनाइजिंग अंडर रे रही पारिबो एको भलसे मन रखिबे ये परीक्षा रे पढ़ुची ना प्राय समय पिला मिस्टेक करुचंती पिला कोन के भी जने कन्फ्यूज है कि मिस्टेक कर दबो एको मन ही रखी दबो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ओके ये ऑर्गेनाइजिंग अंडर रे रहिबो सिक्स रे आंसर कोन हबो ए पॉलिसी मेकिंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग टा कहार रहिबो प्लानिंग रो ऑर्गेनाइजिंग रो कोऑर्डिनेटिंग रो मोटिवेटिंग रो तो सेवेन रो आंसर कोन हबो ए हबो प्लानिंग ऑब्वियसली प्लान पॉलिसी जो हम से कहला प्लानिंग फंक्शन रो काम ओके गला तापर नेक्स्ट ह्विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप देखो इनफॉर्मल ग्रुप माने कोन बुझि पड़छ माने फॉर्मल वे रे नथिबो तले एटर आंसर कोन हो जेमि ये देखो बिजनेस रे तो इनफॉर्मल वे रे तो हॉस्पिटल भी फॉर्मल वे रे यूनिवर्सिटी रे सब भी जाउ तो फॉर्मल पाए एको तीनटा को देखिला परे हमको लागु जे बी होची कोन फैमिली फैमिली स्ट्रक्चर रे सेटी कोन होतबो तुमरो किछ भी वे रे तुमरो माने एक्टिविटीज होतबो सेटी फॉर्मल बोली हमें ताको कहि परबा नाही तले एटर आंसर कोन हो बी हम मैनेजमेंट मीन्स मैनेजिंग मैन कौन मैनेजिंग मैन टैक्टफुली प्रॉपरली स्ट्रिक्टली केयरफुली तले एठी नाइन रा आंसर कौन हम ऑब्वियसली एतरु जणा पड़ी जाउछि कौन एटा हम ओके मैनेजमेंट फंक्शन देखो या दर तुम्हें जो क्वेश्चन आम प्राक्ट करते या भितर ही तुम्हें चालीसटा पाइव बिजनेस स्टडी में किसी एपट सेपट होनी आकाउंट्स रोला मैथ रोला कॉस्टिंग रोला के एफ एम रोला इकोनोमिक्स रोला एध सिंपल सिंपल क्वेश्चन तुम्हें चालीसटा पाइब आउे आंसर भी बेस किसी कनसे मानने डाउट भी रोन सब आंसर तुमको क्लीयर कट जना भी पड़ज बुझे तो ये कन्फ्यूजन भी रोन एमती ना ना टू थ्री एमती सब रोला जमी कस्ट आकाउंटिंग देखी के सब रोला ये केतरा कॉपी हम सी केतरा कॉपी हम बुझे तो ये सेमती किसी बेस किसी ना तो मैनेजमेंट मीनस मैनेजमेंट ऑफ पूरा कंसंट्रेशन रखिक अशी रु अशी है तो तुम्हें करके चेष्टा कर हो मैनेजमेंट मीनस मैनेजमेंट मेन गला एटा मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ मॉनिटरिंग द वर्क इज नोन ताले टेन आंसर कौन हम ये डी हम कंट्रोलिंग मॉनिटरिंग बोली लिखी ना तो यहाँ कंट्रोलिंग टा होची करेक्टिंग फंक्शन भी गोटे ओके एक मन रखी तेल कंट्रोलिंग ये देखिए देख लुकिंग हेड लुकिंग बैक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी गाइडिंग कौन पीपल ये इलेवेन आंसर ये कौन हम कह बी हम लुकिंग बैक लुकिंग एहेड भी रोहिबो किंतु एठी तुमरो कोन हबो लुकिंग बैक कंट्रोलिंग सबळे देखो कंट्रोलिंग टा लास्ट रहूची प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग तो सब फंक्शन ठीक से फंक्शन होची कि नहीं कंट्रोलिंग फंक्शन रे आमे ताको कोन करचोंती रेक्टिफाई करचोंती ताको करेक्ट करचोंती जदी कोडी किछ थिला ताको आमे कोन करचोंती चेक करचोंती तो ये सब होची कंट्रोलिंग आ कंट्रोलिंग टा कहिना कहि होची का सहित डायरेक्टली माने क्लोजली इंटररिलेटेड प्लानिंग सहित ओके ए सबटा सहित रिलेटेड किंतु क्लोजली रिलेटेड होची प्लानिंग सहित एको भी माने रखिबो परीक्षा रे बाय चांस आसी जिवो गला माने रखिबो बलसे प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल परचेजिंग एंड मेंटेनेंस एक्सेट्रा आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल परचेजिंग ओके प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल परचेजिंग मेंटेनेंस एक्सेट्रा आर रिलेटेड टू तले 12 रे आंसर कौन हो ये 12 रे आंसर बी हम 12 रे आंसर बी हम एनसिलरी फंक्शन एटा बोली कहा जिवो ओके एनसिलरी फंक्शन ओके तापर प्रोडक्शन प्लानिंग इज ए फंक्शन ऑफ एटा प्रोडक्शन प्लानिंग को आमे खाली को फंक्शन रे रखी परबा 13 रे आंसर कौन हो बी लुकिंग एहेड
ओके आम सब आग को भाविक कौन कर प्रडक्शन कर मैंने इनवायरमेंट को फोरकास्ट करते प्रोडक्शन कले थर ठीक ठाक मैंने सेल हो बुझे तो मोशन स्टडी ये बहुत इंपोर्टेंट यहाँ तुम्हें कॉस्ट अकाउंटिंग भी देखु मोशन स्टडी कौन आम स्टडी करुले जो मैंने आमर कौन हो देख मु तुमको आगे कहूँ कौन मोशन मान कौन गति बुझे ना ना तो 14 रो आंसर कौन हम सी डिटरमाइन द बेस्ट वे टू डूइंग जॉब ये से मूवमेंट ऑफ द मशीन एलिमिनेट इक्विपमेंट ऑब्स्ट्रक्टिव मूवमेंट टेल वर्कर्स हाउ टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ना से कॉस्ट अकाउंटिंग देखुले जो वर्कर मानक मूविंग केमी होती ये मोशन स्टडी हूँ तुम देखी थोड़े तुम्हारे बिजनेस स्टडी जो आम पढ़ुते कौटे साइंटिफिक मैनेजमेंट एटी अच्छे कौन 14 रो आंसर कौन हम सी हम डिटरमाइन द बेस्ट वे ऑफ डूइंग ए जॉब बुझे ओके मोशन स्टडी जो वर्कर मानक मूवमेंट मान मूवमेंट को भी स्टडी करा जाए किंतु ये टेल वर्कर से नुहे ओके डिटरमाइन द बेस्ट वे ऑफ डूइंग जॉब तो बेस्ट आंसर यहाँ देखु डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ द मशीन नो एलिमिनेट ऑफ इक्विपमेंट ऑब्स्ट्रक्ट ऑफ द मूवमेंट एलिमिनेट इक्विपमेंट द ऑब्स्ट्रक्ट नाई तो ये ये सी हम आंसर किंतु यदि खाली लिखि था कौन कौन आम जो वर्कर्स मानक विदिन द ऑर्गेनाइजेशन वर्कर मानक जो मूवमेंट तो ताकू जब स्टडी करूटा भी मोशन स्टडी अंडर में रोला फैटक स्टडी गोटे रोला लास्टर तो यहाँ भी रोला ये यहाँ हम आंसर डिटरमाइन द बेस्ट वे ऑफ डूइंग ए जॉब टिके 14 रो जो क्वेश्चन टा टिके तुम्हें हूँ तुम बुक रे मोशन स्टडी की टिके स्टडी करदेव सत कौच मुला तो ये आंसर तो देसी सी कि ये ऑप्शन रे किसी कन्फ्यूजन मोर अच्छी ओके तो यू टे देखीदेव ओके गला द एम ऑफ मेथड स्टडी इज टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी इन द यूज ऑफ द एम ऑफ मेथड स्टडी हाँ यहाँ है तुम कौ मेथड स्टडी इज टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी इन द यूज ऑफ 15 रो आंसर कौन हम ये 15 रो आंसर डी हम मटेरियल्स मशीनरी एंड मैन पावर एंड कैपिटल द मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी कहार सब एफिशिएंसी बढ़िया दरकार आम देख प्रॉपर मेथड करवा प्रोडक्शन ताले यदि एक्टिविटीज करूवा तेल यहाँ कौन हम तुम हूँ मटेरियल मशीनरी मैन पावर ये कैपिटल सबूटा कौन हो प्रॉपर्ली यूटिलाइज होके तो ये हूँ तुम मेथड स्टडी कौ मेथडटा बेस्ट आम से चूज कर सही अनुसार आम अप्लाय करोद्वारा कि आम ये सब जिन फंक्शन ठीक से करुच्चे ओके किसी जिन डायरेक्टली मन रखीदेब जो तुम टी कन्फ्यूजन रोचे तार आंसरटा को मन रखिक आंसर देदेव द प्रिंसिपल हुई जे सजेस्ट द सबऑर्डिनेट सुड बी रिसीव ऑर्डर फॉर अकाउंट टू वन बॉस ये बहुत इंपोर्टेंट ओके ये बहुत इंपोर्टेंट 16 टी प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ओके आम गोटे गोटे सब जिन फेस भी करुँच कित इंपोर्टेंट क्वेश्चन ओके प्रिंसिपल हुई जे सजेस्ट द सबऑर्डिनेट सुड बी रिसीव ऑर्डर अकाउंटेबल टू वन बॉस ओनली इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आउ गोटे थिला यूनिटी ऑफ कमांड ए दुटा भितर टिके पिला कन्फ्यूज हो जाती एटी वन बॉस टू आम रिसीव करुँचे ऑर्डर ओके वन बॉस टू रिसीव करुँचे ऑर्डर जे सबऑर्डिनेट थिबो ओके देन प्रिंसिपल फॉर मैनेजमेंट रेफर टू प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट रेफर टू प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्टी स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रुथ प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी नन ऑफ दिस ताले एटी कौन हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्टी स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रुथ प्रिंसिपल्स ऑफ इंटेग्रिटी ताले एटी एटा कौन अच्छे 17 रो आंसर एटी कौन हम ना हूँ तुम बी हम आंसर स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रुथ ओके गला मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डेराइव्ड मैनेजमेंट प्रिंसिपल टा के भले डेराइव्ड है बाय वे ऑफ एक्सपेरिमेंट बाय वे ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस ओके तो बेस्ट आंसर ओके ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस देन मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर बेनिफिशियल फॉर इटा कहाँ बेनिफिशियल हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल आगे ऑर्गेनाइजेशन गोटे मैनेजमेंट मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल टा कहाँ बेनिफिशियल हम तो 19 रो आंसर कौन हम सी मैनेजरियल एक्शन एंड डिसीजन ओके तो जो भाई प्रिंसिपल अप्लाई करथु मैनेजमेंट को मैंने मैनेजर को सही अनुसार सी हेल्प करुथ ओके तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज टू गेट कोऑपरेशन फ्रॉम ऑल कंसर्न गाइड कौन 20 रो ताला आंसर एटी कौन हम गाइड्स मैनेजर इन ए जनरल वे ओके गाइड्स मैनेजर इन ए जनरल वे मैनेजमेंट रो जो प्रिंसिपल टा ओके
गला फाइल आइडेंटिफाइड 9 14 ये तो तुम्हें ऑलरेडी जाना थी 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एनरी फाइल जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट एक थियोरीटा जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थियोरी बुझे फादर बोली कह मैंने मेन थिंकर सी आउ साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर मन रखे डिविजन ऑफ लेबर यदि डिविजन ऑफ करदे आम कौन करा जे जो कम एफिशिएंसी मन कर तुमको गाड़ी चलने भल मैंने पूरा एफिशिएंट अच्छे तुमको जो ट्रांसपोर्टेशन जो गाड़ी गाड़ी जबार अच्छे तुमको से कम इनवल्व हेल मैंने जे जो थे एफिसीयंट इनवल्व करवा मैंने से टाइप जॉब प्रोवाइड करवा से टाइप वर्क मैंने से प्रोसेस वर्क डिस्ट्रीब्यूट करवा बुझे डिविजन ऑफ वर्क हवा दरकार तो ये 22 रहा आंसर कौन हम स्पेशलाइजेशन बढ़ी तुम जब गोटे कम को बारंबार कर तो कौन हम स्पेशलाइजेशन बढ़ी ओके ये बहुत बढ़िया फंक्शनटा भी मैंने बहुत बढ़िया प्रिंसिपलटा भी यूनिट ऑफ कमांड आम यूनिट ऑफ डायरेक्शन उपरे देखे डुआल अथॉरिटी सिंगल अथॉरिटी रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर क्लैरिटी ऑफ डायरेक्शन तो ये 23 रहा आंसर कौन हम 23 रो रिसीविंग ऑर्डर्स एठी ऊपर हमें जोटा देखी थे कौन गोटे मिनट ये कन्फ्यूजन क्रिएट हम पुणी 23 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एठी द प्रिंसिपल सजेस्ट दैट एवरी सबॉर्डिनेट शुड बी रिसीव ऑर्डर एंड बी अकाउंटेबल टू वन बॉस ओनली इज कॉल्ड ओके वन बॉस टू यदि आम रिसीव करें कौन बोली कौ देख पिले एटी लिखाई कौन तुम फास्ट जो आम 16 नंबर टा क्वेश्चन आम डिस्कसन करुले एटी लिखी द प्रिंसिपल व्हिच सजेस्ट एवरी सबॉर्डिनेट शुड बी रिसीव ऑर्डर एंड बी अकाउंटेबल फॉर वन बॉस ओनली तो ये कौन हम द प्रिंसिपल सेट दैट वन पर्सन शुड बी रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर दैट इज कौन ना प्रिंसिपल ऑफ कमांड ओके प्रिंसिपल ऑफ कौन यूनिट ऑफ कमांड ये यही हम आंसर आमर ये कि आंसर देता कौन तुम सांपल पेपर दे कौन डी दे आंसर एक्चुअली यूनिट ऑफ डायरेक्शन कॉन्सेप्ट अलग से कौन होता ना डायरेक्शन आम पढ़ू द प्रिंसिपल ऑफ यूनिट ऑफ डायरेक्शन मीन्स देयर इज शुड बी वन हेड वन प्लान माने जे रोइबो मने करो माने गुटे ऑर्गेनाइजेशन रो 5टा 10टा मैनेजर रोइबे सब बुझतिंग रो जदि कह आमी डिसीजन नहो सेबि होबे जणे रहथियो सुपीरियर सेही मेन डिसीजन नउथबो तो एठी एटा कोन होबो द प्रिंसिपल व्हिच सजेस्ट दैट एवरी सबॉर्डिनेट शुड बी रिसीव ऑर्डर एंड बी अकाउंटेबल फॉर वन बॉस ओनली दैट इज कोन यूनिट ऑफ कमांड एटा गला कोन 16 नंबर आमे जोटा पढ़ुले वर्तमान कौन ना होची तुम्हार है कौन यूनिट ऑफ कमांड माने कौन यूनिट ऑफ कमांड रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर तले सेटी से एमसीक्यूटा जो सी देखा आंसर तुम सांपल पेपर अनुसार से भूल आम रेक्टिफाए करदे ये तो ठीक अच्छे ये रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओके गला तेल 23 गला एक मन रखिबो ना बाय चांस कन्फ्यूजन क्रिएट करदेव यूनिट ऑफ कमांड रे कौन हम मनेकर बस रहा तीन जन बस अच्छा बुझेगा तीन जन बस जड़े रहा तुम मनेकर जड़े सर्वेन्ट अच्छे तीन टाक तुम जब स्कूल है स्कूल प्रिंसिपल तुम मन प्रिंसिपल अच्छा आहरी भी रिलेटेड स्टाफ जमी डायरेक्टर भी थे बुझे प्राइवेट कॉलेज गुड़ा तुम देखी थो डायरेक्टर भी रोचान तो ये कौन हम जी जड़े पिओन अच्छे जड़े पिओन अच्छे तेल सी कौन दिजों ठूँ जब अर्डर रिसीव कराम ठीक से करना बुझापी कौचे ओके ये कौन कौन ना सुपीरियर पाखु जन पाखु ही तुम्हें कौन हो कमांडा से ही होगा दरकार जो थे कन्फ्यूजन क्रिएट करून गला यूनिट ऑफ कमांड यूनिट ऑफ डायरेक्शन दुटा जाक भलसे मन रखी जी कारण तरह प्राय समय क्वेश्चन पड़ू डाउट रे पिला भूल कर दूसरी फाइल्स वर्क इज कंसंट्रेटेड ऑन फाइल कौन काम करुले तुम्हें जहाँ थो फाइल हूँ आम कौन जो टॉप लेवल तांकर जो थियोरीटा पाखापाखि हूँ सब गुड़ाक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल ओके से कह जाए जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थियोरी गुड़ाक सीटा बुझे आउ जो तुम टेलर है सफ्ट लेवल जोटा लोअर लेवल बुझे सफ्ट लेवल जोटा लोअर लेवल फाइल हेज बीन रेफर्ड आज द रियलिस्टिक द यूनिवर्सालिटी एंड आइडियालिस्टिक एंड साइंटिस्टिक ओके तो 25 रो आंसर कौन हम बी हम तर जो थियोरी से यूनिवर्सल नेचर फाइल डिनोटेड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आज कौन तक आम कौन बोली कौन प्रिंसिपल्स बोली कौन और 26 आंसर कौन हम ये एलिमेंट्स द फाइल डिनोटेड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ओके
तो 26 रा आंसर एटी कोन होबो एक्चुअली सैंपल पेपर देछि बी ओके एलिमेंट्स एट तो आमो पढ़ी चंती कोन मैनेजमेंट थ्योरी टा होछि तांकर जो मैनेजमेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एलिमेंट्स किंतु एकु तुमे तुम बुक रे चेक करिवो मो पाखरे ने बुक बही नाही तुमे बही देखिवो ओके कारण सैंपल पेपर गोटे गोटे जगार कन्फ्यूजन क्रिएट करुच्छी तुम्हें एक देखीदेव ओके ये फाइल डिनोटेड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आज प्रिंसिपल्स बोले आम जानते किंतु आंसर देची बी आंसर देची बी मो कह कथा बुझीपुर कि ना आंसर देची बी तुम्हें से अनुसार यदि जीव जीव ना कौन कर तुम्हें टी बुक चेक कर ओके कारण मुटा को जजमेंट दौना जजमेंट देने तुम्हें पुणी कौटी कौन तुम मिस्टेक हो पा गोटे आसिक मत भारी खराब लगे से पिलार कथा शुणिकी ओके जहाँ भी हो किसी क्वेश्चन सेमती अच्छी एलिमेंट्सटा भी रिलेटेड बुझे तो प्रिंसिपल्स एंड एलिमेंट्स फाइल डिनोटेड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आज अ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बोले आम कौन तो एलिमेंट भी तो किसी भी वर्डटा भी टी या सहित सिमिलर नेचर आसूँ तो प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द फाइल इम्प्लाइज ओके 27 रा आंसर एटी कौन हम डी हम कमांड ऑर्डर बुझे यूनिट ऑफ अ कमांड ओके स्पान मैनेजमेंट कौन ओके बढ़िया क्वेश्चन था स्पान मैनेजमेंट कौन तो 28 रा आंसर हो ए मैनेजर कैन सुपरवाइज ए लिमिटेड नंबर एग्जीक्यूटिव ता माने कौन कहल मनेकर जड़े मैनेजर अच्छी एक्चुअली से केते जन वर्कर को जो भी तार सबर्डिनेट्स थे केते जन को सी मैनेज कर पार ए गोटे स्पेसीफिक फर्मुला भी अच्छी किंतु ये तुम फर्मुला परीक्षा पड़ोनि तो ये हूँ कौन ए मैनेजर कैन सुपरवाइज ए लिमिटेड नंबर एग्जीक्यूटिव्स ओके लिमिटेड नंबर एक्जिक्यूटिव बढ़िया क्वेश्चन था यहाँ ओके एको मन रख अकॉर्डिंग टू द स्कॉलर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्कॉलर चेन जो आम पढ़ुले ओके 29 ये कौन हम बी ही हम द लाइन अथॉरिटी मस्ट बी क्लीयरली डिफाइंड मीनिंग हूँ स्कॉलर चेन में तुम एम देखी नौ जो स्कॉलर चेन तो जो कम्युनिकेशन प्रोसेसटा यही हूँ ये लाइनटा होता मझे जी से ब्रेक होता आम कौन बोली कहते गेंग प्लांक बोली कहते जी ब्रेक होता ओके जी डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा एपट साइड आपट साइड जो भी तुम सेम लेवल डिपार्टमेंट थे सेटा होता गेंग प्लांक ना से खाली कहते कौन आम स्कॉलर चेन ये कह लाइन अथॉरिटी मोस्ट बी कौन हो क्लीयरली डिफाइंड होगा ट्रांसफर तेल दुईटा क्वेश्चन आम टे गोटे तो एमसीक्यू भूल था आउ गए टी डाउट रहा आम ट्रांसफरिंग ऑल द रूटीन वर्क टू द सबर्डिनेट्स एंड कंसंट्रेटिंग ऑन इंपोर्टेंट वर्क इज कॉल्ड इंपोर्टेंट वर्क इज कॉल्ड ट्रांसफरिंग ऑल द रूटीन वर्क टू द सबर्डिनेट्स एंड कंसंट्रेटिंग एटा बढ़िया क्वेश्चन था ये भी बढ़िया क्वेश्चन था ताने बुझीप तुम्हें मैनेजर अच बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन रे काम होची किंतु तुम्हें हूँ केवल ये काम गुड़ाक देखो से फाइल गुड़ाक चेक कर कि मैंने आक्टिविटा तुम पाखक जाटा हूँ कौन मानते बहुत तुम्हें सब कम इनवल्व न होगा दरकार कारण तुम्हें सब कम ठीक से मैनेज कर इंपोर्टेंट काम गुड़ाक तुम्हें देख सेटा हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सेप्शन बुझेला एक मन रख तो ये 30 आंसर कौन हम तेल 30 आंसर ए ये बहुत बढ़िया इंपोर्टेंट क्वेश्चन उपरे दु तीन टा क्वेश्चन जो देखे ना बढ़िया क्वेश्चन ताने तुम मनकर जड़े पीए अच्छी देखी बड़ बड़ जो पोस्ट रे सब अच्छा जो प्राइवेट असिस्टेंट रोचे ओके पर्सनाल असिस्टेंट तो सी हूँ कौन कर देखुं कौटा इंपोर्टेंट से सी देखु मानने तार जी मेन लोक ताक से कम को मानने से ही लोक मीट करम को इंपोर्टेंट दौंस सब गुड़ाक से निजे से इनवल्व न रही अन्य का जी जूनियर लेवल थे कौन करेंगे हाथ को दे दौरान से कम को ओके बहुत बढ़िया क्वेश्चन ताने किटा को तुम्हें इग्नोर करवा दरकार तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन यहाँ हूँ बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन द नंबर ऑफ सबर्डिनेट्स प्लेस्ड अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सुपरवाइजर इज नोन आज एबे जस्ट डिस्कशन करुथले एबे जस्ट डिस्कशन करुथले दैट इज स्पान कंट्रोल केतटा सुबर्डिनेट मो अंडर रही कि ठीक से मैंने मुझे जन को ठीक से कंट्रोल कर पारि कि मैनेज कर पारि कि गाइड कर पारि तो सेटा को आजिबो ठीक स्पान कंट्रोल ओके 31 बहुत के माने मैक्सिमम क्वेश्चन भलो क्वेश्चन मिलुची ओके परीक्षा पढ़ला भाया क्वेश्चन सब अच्छी या भितर आ कितटा क्वेश्चन गुटे गुटे तो भूल थिला ताको करेक्टिफाई कर देले गला सेटा आ गुटे कन्फ्यूजन टिके अछि अन एम्प्लॉय नहले तुम आंसर जोटा दे सेही अनुसार चल जो एलिमेंट्स अन एम्प्लॉय शुड बी रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपरवाइजर ओनली इज नोन एज एबे जस्ट डिस्कशन करथले ऑर्डरटा जण पाखरो रिसीव करथबो ताले 32 रा आंसर कोन होबो यूनिट ऑफ कमांड यूनिट ऑफ कमांड डेलिगेटेड एजेंट इज पर्सनली लायबल फॉर 33 रा आंसर
सी बैड डेब्ट डायरेक्टर एजेंट ये एक्चुअली गोटे तुम्हारे थिला कौन गोटे अकाउंट्स अच्छी तुम्हारे कौन कनसाइनमेंट चैप्टर ओके पढ़ प्लस थ्री पढ़ले से डायरेक्टर कमिशन डायरेक्टर एजेंट बुझे यूज होता ओके डायरेक्टर कमिशन ये बैड डेब्ट एक मन रखी जीव एग्जाम लिखिक आस बुझे ए होलसेलर यूजुअली डील्स इन बुझे ए होलसेलर यूजुअली ये मार्केटिंग क्वेश्चन टा ए होलसेलर यूजुअली डील्स इन होलसेलर कौ टाइप ये प्रडक्ट सब दे फ्यू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट मेनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट वैरायटी टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स नन ऑफ दिस ताले 34 आंसर कौन फ्यू होलसेलर माने किसी लिमिटेड नंबर ऑफ गुड्स सी कौन थी होलसेलिंग बिजनेस करुथिबे बुझे तो ये होलसेलर मैंने बहुत गुड़ा गुड्स रखिथे कि टाइप्स जो काटागरीजा से कम थी बुझे गला होलसेलर आक्ट आज ए लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर मुझे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रे क्वेश्चन कौन हो पार इटी तुम्हारे है फास्ट है प्रोड्यूसर जी मैन्युफैक्चरर लास्ट पर्सन किए कंज्यूमर ओके लास्ट पर्सन है कंज्यूमर देखती इनको भितर कई नहांती मैंने प्रोड्यूसर डायरेक्ट सेल करछि कंज्यूमर को दैट इज जीरो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओके यदि ता भितर जणे रहीगला रिटेलर ताले सिंगल जणे वन ओके ताको वन बोली कहि परबा हमें यदि आउ जणे रहीला होलसेलर रहीला मझिरे ताले एटा टू हैला टू चैनल ताले एठी मझे आउ जब एजेंट फेजेंट कई रहीगले क्री और आगे भी रहीपर बुझेगा कि प्राइमेली तुम हूँ प्रड्यूसर होलसेलर रिटेलर देन है कंज्यूमर ओके जदि कहीं ना प्रड्यूसर कंज्यूमर भितर प्रड्यूसर गुड्स प्रड्यूस कर कंज्यूमर कंजम्पशन कला दैट इज जीरो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओके एक मन रखी देख होलसेलर रिटेलर भितर होलसेलर गलाटा होलसेलर आक्ट एज ए लिंक बिटवीन होलसेलर क्या क्या भितर रोचे गोटे प्रड्यूसर मैन्युफैक्चरर आउ कह किए रिटेलर दिजन भितर लिंक क्रिएट कर बुझे तो ये कौन हम रिटेलर 35 आंसर कौन है ना रिटेलर ओके बी ओके ए होलसेलर इज नेदर ए रिटेलर नर ए होलसेलर नेदर ए रिटेलर नर ए कौन तुम 36 आंसर तेल कौन हम ये बी हम नट ए मैन्युफैक्चरर बुझे गला तापर ए रिटेलर यूजुअली डील्स इन ए फ्यू गुड्स ए वन टाइप ऑफ गुड्स ए वैरायटी गुड्स ए स्पेशलाइज्ड गुड्स ताले 37 रा आंसर कौन हम वैरायटी ऑफ गुड्स ओके रिटेलर पाखे अधिक रही पार किंतु माने क्वांटिटी तार कम रखी थी रिटेलर जे कम क्वांटिटी रखी बिजनेस करथबे ना किंतु होलसेलर पाखे बहुत गुड़ा क्वांटिटी थी किंतु फ्यू टाइप रो गुड्स थी ओके गला रिटेलर हु डील इन ओनली वन लाइन ऑफ गुड्स आर कॉल्ड यदि जे वन लाइन रुड्स रखी रिटेलर से टाइप कौन बोली कहबा आम स्पेशलिस्ट रिटेलर ओके गला दे 39 द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग ड्यूटी एंड रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंस एफर्ट टू ताको आम कौन बोली कहबा तो ड्यूटी दिया दिज्व रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंस अनुसार ड्यूटी अलर्ट करा जिबो तो सेटा को आम कौन बोले कहबा बी हम दैट इज ऑर्गेनाइजेशन बा ऑर्गेनाइजिंग ओके गला इन ए परफेक्ट मार्केट और प्राइस इज डिटरमाइंड बाय ये तो तुम सिलेबस नाई बोधे बुझे 40 क्वेश्चन टा बाकी तो ये डिमांड एंड सप्लाई परफेक्ट मार्केट मुझे कहीदे तुमको बाय चांस पड़ी परफेक्ट मार्केट तुम मैंने परफेक्ट मार्केट क्या कह जाए होमोजेनियस गुड्स ट्रांजेक्शन हो सिमिलर टाइप रो गुड्स बिक्री हो बहुत सारे सेलर थे बहुत सारे बायर थे सहीटा कहु कौन प्रोडक्टर डिफरेंशिएशन भी नथिबो तो सेटा हबो कोनो परफेक्ट मार्केट रो कंडीशन परफेक्ट मार्केट प्राइस इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई तुम्हें देखिथिबो किछि जिनस तुमर कहू मार्केट रे जते डिमांड बढ़ुची सेतले कोन हो जाउची तार प्राइस भी डिमांड जो प्राइस अनुसार प्राइस इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई बुझे जमी देखिथिबो मन कर वर्षा है सब तुम लेंबू फेम्बू खराब है लेंबू प्राइस बढ़ीगला ताने केमी है तो डिमांड तो अधिक अच्छी लेंबूर कितु से अनुसार प्रडक्शन हैलानी सप्लाई हैलानी तेल कौन हम से प्राइस बढ़ीगला तो प्राइसटा फिक्स होती अनुसार कौन परफेक्ट मार्केट रे तो डिमांड एंड सप्लाई बेसीस बुझे ओके गला तापर देखा आमर कौन पड़ी टू मार्क थ्री मार्क क्वेश्चन टू मार्क्स फास्ट अच्छी देखो मुझे भितर कहीदेवि कौटा इंपोर्टां एवं जस्ट आम डिफाइन मैनेजमेंट बा एक्सेप्शन जो थे कि मैनेजर कौन करूला सब गुड़ाक कम को न देखिए कि जोटा इंपोर्टां से मानने इंपोर्टां रखुला देखुला आउ अन्य गुड़ाक सी कौन करूला जूनियर लेवल जी बुझीपार से कम को सी दायित्व दे दूसरा ओके ताने तुम प्रिंसिपाल कौन सब जिनसर इंटरफेयर मैंने देखुए कि सी तुम टीचर भी किसी जिनस
बुझी दौथे प्रिंसिपल पाखक केवल बड़ बड़ घटना हेल्ले कौन सेमती है तुम्हें जाइए प्रिंसिपल पाखक जाऊ ना छोटमोट घटना तुम टीचर ही बुझी दौरान डिफाइन होने प्रिंसिपल सब जिन मुंड खेलो ना बुझेगा मैनेजमेंट इज ए फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन ये प्रोफेशन विषय में पचार तुमको प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर बोथ लैकिंग लुकिंग बैक ओके ये तुम्हें भलसे पढ़ी जीव ये परीक्षा प्लानिंग भी पढ़ू कंट्रोलिंग भी पढ़ू व्हाई कंट्रोलिंग इज कॉल्ड कंटिन्यूस प्रोसेस सबुड़ाक कंटिन्यूस प्रोसेस एमती किसी कहुनि कंट्रोलिंग को कौन कहुटा प्लानिंग भी तो कंट्रोलिंग मैंने कंटिन्यूस प्रोसेस ओके कारण प्लानिंग जब कंटिन्यूस है तो कंट्रोलिंग भी कंटिन्यूस हो कि तुमको थ्योरी लिखियार अच्छे लिखी तले एक्सप्लेन इज वन सेंटेंस हाउ डायरेक्ट डायरेक्शन इज एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट व्हाट इज लीडर प्राइसिंग व्हाय हाउ कैन द फर्म कोप ऑफ द चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट क्वेश्चन व्हाट इज एनवायरनमेंट स्कैनिंग व्हाट डू मीन बाय मार्केटिंग मैनेजमेंट व्हाट डू मीन बाय ग्रेडिंग देख या भितर मुझे इंपोर्टेंट जब कह तुम युवा लिखिक प्राक्टिस कर गोटे तो फास्ट इंपोर्टेंट दबो व्हाट इज एनवायरनमेंट स्कैनिंग ओके व्हाट डू मीन मार्केटिंग मैनेजमेंट ये भी भलसे देख व्हाट डू मीन बाय ग्रेडिंग ये भी इंपोर्टेंट ओके तापरे तुम्हार लीडर प्राइसिंगटा हुए तो आसीपे चांसेस अच्छी ओके एक्सप्लेन द सेंटेंस डायरेक्शन एग्जीक्यूटिव फंक्शन मैनेजमेंट व्हाय कंट्रोलिंग कॉल्ड कंटिन्यूस प्रोसेस एक्टिविटीज प्लानिंग डिफाइन मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन ये भी बहुत इंपोर्टेंट ताले चार्टा पांचटा हो गला एठी ओके ए सेट रु तुम चार्टा खंडे कि पांचटा जदि लिखिबो आउ गोटे होची लीडर प्राइसिंग टाउ टिके प्रैक्टिस कर दबो ओके तो ये चार्टा पांचटा कोन करिबो प्रैक्टिस कर दबो आउ रेस्ट गुडा तुम इग्नोर कर दे पारिबो ए जो कहली वर्तमान ओके तापरे 3 मार्क्स रो आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड 50 वर्ड्स मैनेजमेंट इज ए डिस्टिंक्ट एंटिटी एक्सप्लेन यूनिवर्सियालिटी ऑफ व्हाट इज यूनिवर्सियालिटी ऑफ मैनेजमेंट ये इंपोर्टेंट एक टिके प्रैक्टिस कर दबो फंक्शनल फॉर्मेनशिप कौन ताको तो पढ़ कारण तादर थ्योरी क्वेश्चन पढ़ जाऊँ जो टेलर थ्योरी व्हाट डू मीन बाय ब्रांड ये भी इंपोर्टेंट व्हाट इज पेनेट्रेशन प्राइसिंग गोटे थी स्कीमिंग आउ गोटे थी पेनेट्रेशन लो प्राइस रु अपर प्राइस रु जी जाऊँ दैट इज पेनेट्रेशन ओके आउ तुम हूँ देन हूँ तुम हाँ लो प्राइस आउ गोटे थी कौन तुम जो पेनेट्रेशन प्राइस स्कीमिंग ए दुटा जाक बारंबार कहे दुटा जाक तुम पेनेट्रेटिंग आउ गोटे थी स्कीमिंग ए दुटा को तुम पढ़ी जीव मुझे पढ़ी जे पेनेट्रेटिंग कौन लेखा अच्छी कि फिर भी तुम एक्सप्लेन द 3 फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट व्हाट डू मीन बाय एडमिनिस्ट्रेशन व्हाट इज इम्प्लिकेशन ऑफ मैनेजमेंट व्हाट इज लीगल एनवायरनमेंट व्हाट इज मीन बाय मार्केट सेगमेंटेशन ये भी इंपोर्टेंट जे ओके मुझे देख व्हाट इज मीन बाय एडमिनिस्ट्रेशन 2 है 2 हो गला ओके देन है व्हाट इज पेनेट्रेटिंग प्राइसिंग 3 व्हाट इज ब्रांड ओके 4 फंक्शनल फॉर्मेनशिप ओके ए 3-5 क्वेश्चन के थ्रू टी लिखिक प्राक्टिस करके गला ये कौटा थी से कहते सीटा पेनेट्रेटिंग ईटा थी से पढ़ा ओके तापरे लॉन्ग क्वेश्चन कौन दे एक्सप्लेन द मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इंपोर्टेंट एक भलसे प्रैक्टिस करके व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ये भी इंपोर्टेंट ओके एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ मार्केटिंग ये भी इंपोर्टेंट डिस्टिंग्विशन सेलिंग एंड मार्केटिंग एक तो तुम एमती भी पढ़ो 3 मार्किया पढ़ू ना सेलिंग एंड मार्केटिंग 3 मार्क्स आसवर चानसेस अच्छे भितर जब हुए तो लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ी जाए बुझे एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट नो फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट मे भी आसपे खाली इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट एमती किसी ना फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आसपार व्हाट इज कंट्रोलिंग डिस्कस इट्स फीचर ये सबुड़ाक इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये अच्छी सबुड़ाक इंपोर्टेंट अच्छे टी चेस्टा करेंगे भलसे पढ़ी जावाई ओके एवं देखा थ्योरी किसी क्वेश्चन प्राक्टिस वेयर तो ओनली मैनेजमेंट इज फुलफिल एगुड़ा सब पढ़ीदेव आम जो 2 क्वेश्चन नंबर जो लॉन्ग क्वेश्चन 3 मार्क क्वेश्चन जेटा मैनेजमेंट इज डिस्टिंक्ट एंटिटी गला व्हाट इज यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट व्हाट इज फंक्शनल फॉर व्हाट डू मीन बाय ब्रांड व्हाट इज पेनेट्रेटिंग प्राइसिंग ये ना तुम्हें एक्चुअली देखिए आगे कौटी कितु तुम तुम बुक्रु पढ़ीदे पार पेनेट्रेटिंग प्राइसिंग आउट अच्छे कौन स्कीमिंग दुटा इंटर रिलेटेड मैंने जड़े जनकर रिवर्स ओके पेनेट्रेटिंग प्राइसिंग कौन आउट है स्कीमिंग कौन बुझे पेनेट्रेटिंग एंड स्कीमिंग दुटा को भलसे पढ़ी जीव आउ मु जो चैप्टर भी बुझे तादरे डिटेल्स बुझे बुझे तुम्हें हूँ जो वीडियो मु अपलोड करी का तो प्ले लिस्ट को जाकि सब गुड़ाक चेक कर पार डिटेल्स पाइपर ओके या गोटे क्वेश्चन जो रही है ताको भी चेक कर ओके गला ये पाठ थी सेट्रे
सेट को तुम भलसे पढ़ ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छे निश्चित ये सेट रू तुम बहुत सारे क्वेश्चन पाइब एटा मु ग्यारंटी ओके तो जाएंगे तुम देखिबो था सेट रे बहुत सारे क्वेश्चन तुम एग्जाम रे एथरु पाइथिबो कारण बहुत बढ़िया बढ़िया सिलेक्शन क्वेश्चन गुड़ा सब अच्छे आगुरु भी सेट यार दुटा अपलोड होता तुमने जितेटा सेट देते सब गुड़ा जी दुज भलसे कवर करके पलिजी सी भी एग्जाम भल पूरा बहुत भल स्कोर करके पलि आके वीडियो को लाइक करिबो चैनल को सब्सक्राइब करिबो ओके थैंक यू।